सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय विनी व्लॉग। तो गाइस, आ जाते हैं मंसूर पशुपतिनाथ दर्शन के लिए मोम के साथ। उससे पहले यार तुम ये नदी देखो, इसमें पानी बहुत कम है लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। बरसात में पानी बहुत कम गिरा इस साल। तो गाइस, मैं और मेरी मोम इस मंदिर को पूरे अच्छे से घूमने जा रहे हैं और मैं मुझे हर एक चीज़ बता रही है इस मंदिर के बारे में, जो मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन है माय मोम। वो मुझे हर एक चीज़ बता रही चीज़ मंदिर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मोम मुझे लेके आई थी यहाँ दर्शन के लिए महादेव के। तो गाइस, हमने दर्शन करे, उसके बाद हमने देखे बड़े से नंदी महाराज, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और बहुत ही बड़े थे। तो ये देखने के बाद से हम सीधा पहुँचते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ हमें महादेव के दर्शन करने को मिले, क्योंकि आज बहुत कम भीड़ थी और हमने अच्छे से दर्शन भी किए और प्रसाद वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ा दिया। तो गाइस, उसके बाद आते हैं हम इस दीपक स्थल पे। यहाँ पे बहुत सारे दिए लगते हैं इसमें पूरे में, मोमू ने मुझे बताया है, मुझे नहीं पता था, और जो पता है भाई इतना नहीं पता है। उसके बाद हम चलते रहते हैं, मोम बोल के वो बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से सुबह से बाइक के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं गाइस। तो हम यहाँ मिलते हैं हमारे फेवरेट द चीन। तो मेरे हनुमान भक्तों, आज मंगलवार है, आज इनके दर्शन पाके धन्य हो गया मैं तो, क्योंकि मुझे नहीं लगा था आज मैं मंसूर जाके बालाजी का दर्शन करूँगा। उसके बाद मोम बोल रही है कि वो थक चुके हैं और हमें यहाँ से घर निकलना है, क्योंकि रात को मुझसे बाइक नहीं चलती है क्योंकि मैं हेलमेट लेके नहीं आया, इसलिए मुझे रात में बाइक लेने का रिस्क नहीं लूँगा। तो गाइस, आज बहुत भीड़ कम है क्योंकि आज मंगलवार है और यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ सोमवार को रहती है। तो तुम बाहर का भी देखो, और मैं बाहर कम ही फ़ोन यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोन आउट नहीं है, इसलिए गाइस चलते हैं। तो उससे लास्ट में हम मोम और साथ में कुल्फी खाते हैं और उसके बाद हम यहीं से भी लगी लेते हैं ब्लॉक की, क्योंकि अब मैं बाइक चलाऊंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।